निकाल लो भाई किताब। सवा नंबर 57। हाँ भाई, ये अब जो हम शक्लें पढ़ पढ़ के सबक देख रहे हैं, जिसको शक्ल की समझ नहीं आई उसको सबक की समझ नहीं आएगी। जो चीज़ है, पहला क्वेश्चन क्या होता है, इसका अदबी नाम क्या है? सबक नहीं है इसका नाम, सबक सारे ही हैं। हर एक का एक अपना नाम है जो कि अदब का नाम या इस्तलाह कहलाती है। तो इस्तलाह में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तर्जमा शुदा दास्तान है, 2-in-1। नंबर एक तो दास्तान है, नंबर दो उर्दू की नहीं है, कहीं से तर्जमा की गई है, ओरिजिनल सोर्स कोई और लैंग्वेज है। तो ये अदब की दो असनाफ इसमें बयक वक्त इकट्ठी हो गई। तर्जमा नावल का भी हो सकता है, तर्जमा सफ़र, हर चीज़ का तर्जमा हो सकता है। लिहाजा ये तर्जमा जो है ये सिर्फ़ एक दास्तान का तर्जमा है। एंड पे ये आपको बता भी देगा कि ये दास्तान कैसे है। अब लैंग्वेजेस कितनी हैं, एक तो ये है जो हम उर्दू बोल रहे हैं, एक अभी हम बाहर इलाके में चले जाएं तो कोई सराकी मिलेगा, कोई पंजाबी मिलेगा, कोई हमें इसी तरह का, पाकिस्तान में अगर घूमेंगे तो फिर और ज़बानें भी मिलेंगी। तो ये एक बड़ी लैंग्वेज। अब ये तर्जुमा अंग्रेज़ी से भी हो सकता है, फ्रांसीसी से भी हो सकता है, नीचे वाली से भी हो सकता है। बात समझ आ रही है, दोनों तरफ जा रहा है तर्जुमा। मेरी मर्ज़ी, मुझे फ्रांसीसी एक कहानी अच्छी लगी है तो मैं उसका तर्जुमा करके मैं उर्दू में पेश कर दूँ। यार पाकिस्तानी जितने कारीन हैं, कारी हैं, ये लो भाई तुम भी पढ़ लो, एक अच्छी स्टोरी मुझे नज़र आई है फ्रांस में। हो सकता है वो अच्छी स्टोरी मुझे गाँव के किसी दास्तान सुनाने वाले के पास मिल जाए तो मैं वो भी ले आऊँगा उर्दू में कन्वर्ट करके। वो उर्दू में नहीं सुना रहा, कोई सराकी में है, कोई पंजाबी में है, कोई लोक दास्तान रिवायतें, आपके अक्सर हर बंदे का कोई ना कोई दास्तान को वाकिफ़ होता है जो अच्छी दास्तान बताता है। हर बंदा अच्छी दास्तान नहीं कह सकता, दास्तान कहना है, पढ़ना नहीं है, उसमें कान चलते हैं, समझ आ रही है, हाथ नहीं चलता तो ना नज़रें चलती हैं। मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे हो यहाँ से, बाकी दिमाग में सारी चीज़ें जाती हैं, वहाँ फैक्ट्री चल रही है, उसका तज्जिया होता है। अब ये शफी अकील है, 1930 में पैदा हुआ है, ये सन पैदाइश आ सकता है मारूजी में, हर मुसन्निफ़ का आखिर में एक लिस्ट बना लेना, उसमें इनके नंबर एक सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ उसकी तारीख पैदाइश, आगे एक ऊपर माखज़, 7-8 चीज़ें एक ही कालम में आ जाएंगी। ये अलहदा अलहदा ना पढ़ते रहना, थोड़ा सा मॉडर्न जहन के साथ उसको कंप्यूटर की तरह ले जाओ, एक सफ़े पे ले आओ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, तो ये क्लियर हो जाएगी। अब ये दोस्ती का फल, नतीजा हासिल जो फल होता है, एक ये फ्रूट को भी फल कहते हैं, एक मेहनत का फल मिल गया, नतीजा मिल गया, सिला मिल गया, इनाम मिल गया, तो दोनों मानों में इस्तेमाल होता है। अब ये ज़रा मैं इसको, क्योंकि दास्तान है, कान खुले रखने हैं, स्पीड से पढ़नी है, मैंने दिमाग मेरी तरफ रहे, ओए है दिमाग इधर रख। किसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी रहते थे, एक बड़े से दरख्त पर उनका घोंसला था और इसमें वो दोनों अमन चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जब कबूतरी ने घोंसले में अंडे दिए तो उसे हर वक्त इसी बात की फिक्र लगी रहती कि कहीं कोई जानवर अंडे ना ले जाए। यही बात सोचते हुए एक रोज़ वो कबूतर से कहने लगी, हमारा यहाँ कोई ऐसा संगी साथी नहीं है जो वक्त पड़ने पर काम आ सके, लेकिन तुम्हें यहाँ ख़तरा किस बात का है? कबूतर ने हैरानी से दरियाफ्त किया। इस पर कबूतरी उसे समझाने के अंदाज़ में बोली, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आया करता। फिर उसने कदर संजीदगी से कहा, हमें अपने एक दो साथी ज़रूर बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के वक्त वो हमारी मदद कर सकें। कबूतरी की बात ये बात सुनकर कबूतर भी सोच में पड़ गया। फिर वो कुछ सोच कर कहने लगा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर मुसीबत यह है कि यहाँ हमारी बरादरी का कोई परिंदा भी तो नहीं रहता। बरादरी इंसानों वाली नहीं है, उनकी किस्म उन जैसा परिंदों में, कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है, बाज बाज के साथ, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो वो कह रहा है हमारी बरादरी यानी हमारे जैसा हो जो खूंखार ना हो, शिकारी ना हो, हम मनपसंद परिंदे हैं, कुछ कुछ शिकारी हैं। अब ये कि फिर दोस्त बनाए तो किसे बनाए? कबूतरी बोली, कोई हर्ज नहीं, हमारी बरादरी का कोई परिंदा नहीं है तो ना हो, अगर किसी दूसरी बरादरी के परिंदा या जानवर से भी तो तल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। उसने कहा, कोई बैन तो नहीं है, हम कर सकते हैं किसी से भी। अकेला जानदार दुनिया में किसी काम का नहीं होता, हमें कोई ना कोई साथी ज़रूर बना लेना चाहिए। अभी हमने पिछला सबक पढ़ा था,
एक लाइन से आगे नहीं बढ़ रहे थे हम, फंसा लेता था पतरस बुखारी, खींच लेता था हमें कि ठहर जाओ पहले इसकी वजाहत पूरी करो, एक लफ्ज नहीं मुश्किल आया अभी तक। समझ आ रही है फर्क? शक्ल का फर्क, दास्तान है ही ऐसी, आम बंदे को भी जो अनपढ़ है उसको भी समझ आए, जो वो पतरस लिख रहा था मजा वो खास जहन को भी शायद समझ आए। कितना डिफरेंस है दोनों में, दोनों की शक्लें कैसी मुख्तलिफ हैं, दास्तान कहाँ थी और मजा या मजमून कहाँ था। उसका नाम मजाइया मजमून, इसका नाम दास्तान, वो भी सबक ये भी सबक। तो खाली सबक नहीं पहचानना, चीज़ पहचानने से आधी आसानी नहीं होगी मुझे। पतरस बुखारी का मजाक कुछ और नहीं था, वाजे फ़र्क है कि नहीं है? तो ये ज़्यादा आसान हो गया मेरे दिमाग में, मुझे इसको पढ़ना आसान हो गया। यार मैं दास्तान पढ़ रहा हूँ, उसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं आएंगी, एक बेहतरीन इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, कबूतर कबूतरी अंडे खौफ दोस्ती बनाए, कल को कोई हमला होने वाला है इसका मतलब है अब उसने हमारा तजस्सुस उभार दिया। कोई मुश्किल अल्फाज नहीं है, कोई तहदारी नहीं है, कोई गहराई नहीं है। तो दास्तान की मेन खसूसियत ये है कि इसमें इंटरेस्ट डेवलप रहे कारी का और पढ़ने वाला पूरी तवज्जो के साथ कहानी में उलझता चला जाए। अगर कारी ना उलझा दास्तान बेकार, मजा में नहीं उलझाना था उसको, वो बस कहता जा रहा है अपनी समझे समझे ना समझे ना समझे, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है घर मरे, आखिर समझ आ जाएगी इसको बड़ा होगा तो, कईयों को बड़े होकर भी नहीं आएगी। यहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं है, छोटा है बड़ा है सबको समझ आएगी। तो ये फ़र्क है दोनों असनाफ का। सच तो यह है कि कबूतरी की बात कबूतर के दिल को लग गई थी, आज तक उसका इस तरफ ध्यान ही ना गया था, और अब कबूतरी के कहने पर उसे भी एहसास होने लगा था कि कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होना चाहिए। वो दिल ही दिल में अपने इर्द गिर्द के करीबी इलाके के बारे में सोचने लगा कि वहाँ कौन कौन रहता है। कुछ परिंदे उसके जहन में आए लेकिन वो वहाँ से काफ़ी फासले पर रहते थे, इसलिए उनसे दोस्ती करना या ना करना बराबर था, क्योंकि वक्त पड़ने पर उन्हें इतला भी नहीं की जा सकती थी। सोचते सोचते कबूतर को ख्याल आया कि जहाँ वो रहते हैं उससे ज़रा आगे एक दूसरे दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है। उसने कबूतरी से कहा, करीब ही एक दरख्त पर गिद्धों का एक जोड़ा रहता है, अगर तुम कहो तो मैं उनके पास जाऊँ। कबूतरी जल्दी से बोली, इसमें सोचने की क्या बात है, अभी जाओ और उनसे दोस्ती कायम करो, मगर मुझे तो गिद्धों से डर लगता है, उनका हमसे मेल मुश्किल ही मालूम होता है। कबूतर सोच में पड़ गया, लेकिन कबूतरी फिर उसे समझाते हुए कहा, गिद्ध हैं तो क्या हुआ, हैं तो परिंदे, तुम जाकर देखो। अच्छा तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, कबूतर ने इतना कहा और उसी वक्त उड़ के गिद्धों के जोड़े के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने सलाम दुआ की और फिर बड़ी अपनाई से कहने लगा, हाँ भाई क्या कहा होगा कबूतर ने जाके, अस्सलाम वालेकुम या गिद्ध। भाई ये जो बगैर बालों वाली चील होती थी वो लाल थी, जो गोश्त मुर्दार खाती थी, ये अब बीच में कोई अजीब करीब तमाशे हो गए हैं, वो जहर की गोलियाँ वोलियाँ फेंक के और पता नहीं क्या क्या फेंक के वो गिद्धों का खात्मा कर रहे हैं। गिद्ध दुनिया में नेशनल ज्योग्राफिक अगर आप देखें वहाँ गिद्धों पे बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई हैं। ये दुनिया से गंद साफ करने का कुदरती आला है, कुदरत ने रखा हुआ है। कोई जरासीम जिसम जब गलता छटता है किसी मुर्दार जानवर का, पूरे इलाके में जरासीम फैलते हैं। ये कुदरती जरासीम प्रूफ परिंदा है, ये पहुँचता है उस जरासीमों को खा जाता है, इसको कुछ नहीं होता। कुदरत की तरफ से एक यूँ समझो सफाई करने वाला फिर रहा था, हमने उसी को पकड़ के जहर जहाँ जहाँ थे। अब ये अजीब और गरीब चक्कर हैं, दुनिया आखिर तो फिर ऐसी तबाह होनी है ना जो हरकतें हम कर रहे हैं, तो ये गिद्ध वही है। समझ आ गई? यस सर। अच्छा जी, अब ये सलाम दुआ से क्या मुराद है? अब ये टेक्निक थोड़ी सी समझ लो दास्तान की, हैं ये परिंदे और आगे सांप भी आएगा और एक इंसान भी आएगा, लेकिन उसने शो ऐसा करना है जैसे आदमी हो। हम किसी दूसरे के पास ना वाकिफ के पास जाते हैं तो सबसे पहले सलाम दुआ करते हैं, इस वजह से दास्तान का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि बीच में ऐसा लगे यार कोई आदमी है। सलाम दुआ की थी कबूतर ने जाके गिद्ध से, और सलाम दुआ कट्टा की क्या पंजे टकराए होंगे क्या, हाथ में लाए होंगे, हाथ तो है नहीं, क्या कर रहा है दास्तान सुनाने वाला। वो हमें इंसानी चीज़ों के साथ अटैच करता जा रहा है ताकि कारी का इंटरेस्ट बीच में कायम रहे। अब हमें खुशी सी हुई इस जुमले को पढ़ के कि यार इसने सलाम दुआ की भाई जाके, और फिर बड़ी अपने से कहने लगा, हम सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं और इस तरह हमारा रिश्ता सगों जैसा है, रिश्तेदारों जैसा है, फिर क्यों ना हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। इस पर गिद्ध कदर खुशी का इजहार करते हुए बोला, तुम ठीक कहते हो, हम शायद तो माँ जाए होते हैं, माँ जाया हकीकी भाई, भाइयों की तरह होते हैं, आपस के दुख सुख में शरीक होकर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अब ये क्या वाकई परिंदों की सोच है? समझ आ गई टेक्निक? वो परिंदों को दिखाकर इंसानों की सोचें बीच में शामिल करता जा रहा है और हम उसमें घुसते चले जा रहे हैं। साथ साथ टेक्निक का भी एनालिसिस करो,
सबक दिमाग में आराम से खुलासा आ जाएगा क्योंकि वो कर क्या रहा था। जब हम उसकी तह में जाते हैं तो यही इल्म है, हमने उसका तजजिया करना है भाई हमारे साथ कर क्या रहा है। अदब अदीब और कारी जब तुम्हें बताया है तो कारी ने अदीब के दिमाग में घुसना है, हमारी सारी ये ड्यूटी है। तो लिहाजा हम पूरी तरह उस सबक के अंदर, जो कि सबक नहीं है बल्कि अदब की एक शाख है, और कौन सी शाख, दास्तान, हिस्सा नसर में से। इसका मेन फैक्टर क्या है, सस्पेंस, थ्रिल, इंटरेस्ट, ये कायम रहता है। तो ये अच्छी तरह कायम रख रहा है शफी अकील का तर्जमा, अच्छा लग रहा है हमें। अब क्या थी कबूतर, तुम कबूतर ने उन्हें भी अपना हम ख्याल पाया तो बोला मैं इसलिए तुम लोगों के पास आया हूँ कि आज से हम दोस्त बन जाएं। जवाब में गिद्ध बोला हम तो आज से एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं, मगर मेरी बात मानो तो हम एक और काम करें। कबूतर ने पूछा वो क्या, जिस पर गिद्ध ने बताया यहाँ करीब ही एक दरख्त की खोह में एक सांप रहता है। दरख्त की खोह क्या होती है, वो जो पुराने दरख्त होते हैं उसका तना गल जाता है, उसमें सुराख बन जाते हैं, तो फिर उसमें जानवर रहते हैं, तो कुदरती होता है, कह रहे तोता खास तौर पर, ये तो बल्कि वो बच्चे जो होते हैं इसके, अगर कोई निकालने वाला तुम में बैठा हो तो वो बाकायदा एक खोह में होते हैं, वो ऊपर होती है, सांप वाली नीचे होती है। तो ये नीचे एक जो गड़ा है या जो सुराख है उसको खोह कहते हैं। अगर वो भी हमारा दोस्त बन जाए तो फिर हम खतरे से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। ये तजवीज़ कबूतर को भी पसंद आई, लिहाजा वो बोला। अब साथ साथ उसने डरा भी रखा है हमें, ख़तरा कोई है तो सही। कबूतरी ने उससे कहा कोई बनाए, अब ये इसके पास आया वो कह रहा है सांप को भी बना ले, तो यानी कोई ख़तरा है इन सब को। yes, वो कौन सा है, ये हमारे बैकग्राउंड में चला गया अब। yes, ये बैठा हुआ है हमारे अंदर, हम दास्तान के अंदर हैं लेकिन हमारे दिमाग में उसने खतरा पीछे पीछे की तरफ डाल दिया है, वो बाद में आएगा खतरा। तो स्टोरी अच्छी आगे बढ़ा रहा है वो। अब वो कहता है जी ये तजवीज़ कबूतर को भी पसंद है, लिहाजा वो बोला अगर ये बात है तो चलो उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो भी हमारा दोस्त बन जाए। चुनाचा गिद्ध और कबूतर दोनों सांप के पास पहुंच गए, सांप को अपने आने का मकसद बताया और कहा ये ठीक है कि हम तीनों मुख्तलिफ बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं मगर दोस्त बनने में क्या हर्ज है, दोस्ती में तो कोई पाबंदी हाल नहीं होती। सांप ने इन दोनों की बातों को बड़े गौर से सुना, कुछ देर तक लेटा इन पर सोच विचार करता रहा और फिर उनसे कहने लगा दोस्ती बड़ी मुश्किल होती है, इसमें एक दूसरे के लिए जान कुर्बान करना पड़ती है, तुम हमें हर इम्तिहान में साबित कदम पाओगे। दोनों ने बयक वक्त बयक जबान सांप से कहा, यानी एक ही जबान से मिलकर। इस पर सांप बोला अगर ये बात है तो फिर तो मुझे तुम दोनों की दोस्ती मंजूर है, आज से हम तीनों दोस्त हैं और वक्त पड़ने पर एक दूसरे की पूरी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, इस तरह कबूतर गिद्ध और सांप की दोस्ती हो गई। दास्तान बड़े आराम से उसने आगे बढ़ाई है, तीन मुख्तलिफ बरादरियाँ इकट्ठी कर दी हैं। सांप ने सोच विचार की है, गिद्ध ने नहीं की थी, सांप ज़्यादा सियाना है। yes, उसने कहा लगा तो रहे हो फिर साथ भी देना पड़ेगा, सांप पे भी तो मुश्किल आ सकती है। yes, तो इसलिए वो इनको कह रहा है फिर ये ना हो उस टाइम तुम भाग जाओ, चलो तो मेरे पास तो जहर वाला हथियार है एक, तो तुम ये ना हो। कबूतर बिल्कुल ना मनपसंद परिंदा है, खौफ से शुरू किया उसने। yes, गिद्ध थोड़ा सा वो है, उसने फ़ौरन कहा ठीक है हो जाए दोस्त। सांप ने थोड़ा सा सोचा समझाया और उनको भी समझाया है कि ये ऐसे नहीं है कि बस कह दिया तो हो गई, और जब तुम्हें मुश्किल आए तो मैं आऊँ, मेरी बारी आए तो तुम भाग जाओ, ये ना हो। अब कबूतरी मुतमिन थे कि वो अकेले नहीं रहे, उनके दूसरे साथी भी हैं। अब कारी मुतमिन हुआ है, कबूतरी नहीं हुई। गेम को समझते रहना साथ के साथ, वो हमारे साथ कर क्या रहा है। अब हमें उसने इत्मीनान दिला दिया है, अब घूसा आएगा कहीं से वो खतरे वाला। तो पहले उसने एक स्मूथ स्टोरी चलाई है, एक ख़ास जगह पर हमने लेके गया वो, और अब आगे उसने उसमें बिगाड़ पैदा करना है स्टोरी में, ये टेक्निक है, वरना दास्तान नहीं है। यस सर, हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, हमें डर खौफ ख़त्म हो गया, तो ये गई दास्तान। अब आ गया जी, दिन गुजरते गए, कबूतरी ने जो अंडे दिए थे अब उनकी जगह नन्हे मुन्ने बच्चों ने ले ली थी। कबूतरी और कबूतर दिन रात बच्चों की देखभाल और हिफाजत में लगे रहते। एक रोज़ एक शिकारी इस तरफ आ निकला, आ गया जी खतरा। वो सुबह से मारा फिर रहा था लेकिन कोई शिकार इसके हाथ नहीं लगा था। वो इसी दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया जिस पर कबूतर और कबूतरी ने घोंसला बना रखा था। उसने दिल में सोचा खाली हाथ घर जाना अच्छी बात ना होगी, क्यों ना किसी घोंसले से किसी जानवर के बच्चे ही पकड़ के ले चलूँ, कुछ तो मिल जाएगा। तो बच्चा भी जो है वो ज़ाहिर पकाने शिकारी है, वो उसको गोश्त चाहिए तो बच्चे में कुछ ना कुछ आधा पाओ ही सही गोश्त होगा तो सही, तो तीन चार बच्चे हुए तो काम उसका हो जाएगा। इतना सोचकर उसने इर्द गिर्द से दरख्त का जायज़ा लिया तो उसे इस पर एक घोंसला दिखाई दिया। घोंसला देखकर उसने अपने तजर्बे से इसका अंदाज़ा भी कर लिया कि घोंसले में किसी परिंदे के बच्चे भी मौजूद हैं। इस वक्त शाम होने को आई थी और आहिस्ता आहिस्ता चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। ये देखकर शिकारी के जहन में एक तरकीब आई, उसने सोचा अगर मैं दरख्त के नीचे आग जला दूँ तो रोशनी में दरख्त पर घोंसला तलाश करने में आसानी रहेगी। उसने इधर उधर से चंद सूखी लकड़ियाँ और घास फूस जमा की और फिर इनमें आग लगाकर अलाव सा रोशन कर दिया।
इसके बाद वो दरख्त पर चढ़ने की तैयारी करने लगा। खौफ अब कारी का अरूज पे पहुंच गया, ये तो खतरा भी पहुंच गया, और एक ही पैरे में दरख्त पर चढ़ने लग गया। बच्चे तो गए, अब ये खौफ उसने कारी के अंदर पैदा किया। उधर दरख्त के नीचे शिकारी ये तैयारी कर रहा था, और उधर दरख्त पर बैठे हुए कबूतर और कबूतरी सब कुछ देख रहे थे। वो शिकारी की नीयत भांप गए थे, उनको अंदाज़ा हो गया कि ले भाई ये आया ऊपर घोंसले पे, क्या ऊपर क्या चढ़ने आ रहा है, इसका मतलब बच्चों को उठाएगा। और अब अपने बच्चों को बचाने की तरकीबें सोच रहे थे, जो अभी इतने छोटे थे कि उड़ भी ना सकते थे। कबूतर कबूतरी से कहने लगा, एक और खौफ आ गया बीच में, उसने मुसलसल कारी को पकड़ा हुआ है कि ठहर जा उड़ भी नहीं सकते ये, कि वो उनको कहे चल भाई उड़ जा, उड़ गए तो गेम ही ख़त्म, कहानी ना रही। तो लिहाजा बच्चे बिल्कुल ही बेबस और मजबूर बच्चे हैं, हमारी हमदर्दी भी जाग गई, जो बेचारे नन्हे मुन्ने जो उड़ भी नहीं सकते और शिकारी पहुंच के खा जाएगा, इसी पे दास्तान है। पतरस में थी? नो सर, ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं, यहाँ ज़रूरत है। यहाँ कारी नहीं हिलना चाहिए, उसको डराते भी रहो और साथ साथ तसल्ली भी देते रहो, फिर डराते रहो फिर तसल्ली देते रहो। अब थोड़ी सी तसल्ली का टाइम आ गया। फिर अब क्या है जी, मैं अभी अपने दोस्तों को, अब ये कह रहा है जी कि कबूतर जो है वो थोड़ा सा बेवकूफ़ भी दिखाया उन्होंने, कबूतरी ज़रा अकलमंद दिखाई, पहले तजवीज़ भी कबूतरी ने दी थी तो भाई दोस्ती लगा ले, अब अगर दोस्ती ना होती वैसे ही मारे गए थे, लेकिन कबूतरी अभी मजीद जहानत का अब मुजाहरा करेगी। यहाँ मैं अभी अपने दोस्तों को खबर करता हूँ, उन्होंने जल्द बुला कर लाता हूँ। इस पर कबूतरी कहने लगी, ये दुरुस्त है कि तुम अपने दोस्तों को बुला लाओगे, और ये भी ठीक है वो हमारी मदद को आ भी जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि पहले हम खुद कोशिश करें, हो सकता है दूसरों की मदद के बगैर ही ये मुसीबत टल जाए। खुददारी भी दिखानी है थोड़ी, जब आप किसी से हेल्प, दोस्ती है फ़र्ज करो किसी से, तीन बंदों की आपस में होगी, अब दो कहें जी यही करेगा, कुछ खुद नहीं करना उस दोस्ती में, कंट्रीब्यूशन कहाँ है दोस्ती में, पहले अपनी मदद आप है, खुददारी है, फिर दोस्त के पास जाओगे तो वो कहेगा यार अपनी कोशिश तो करके आया है, और जब इसके हाथ नहीं पड़ा तो अब ये मुझे बुलाने के लिए आया। तो कबूतरी ज़्यादा अकलमंद है। अच्छा जी, वो कह रहा है मेरा तो ख्याल है पहले अपने दोस्तों को खबर कर देनी चाहिए। कबूतर ने अपनी राय पेश करते हुए कहा, जिस पर कबूतर ने कहा, अगर कोई अपनी मदद आप ना करे तो उसे दूसरे भी उसकी मदद को तैयार नहीं हुआ करते, हाँ अगर हम इसका मुकाबला करने में नाकाम हो जाएं तो फिर तुम अपने दोस्तों को ज़रूर बुलाना ना, मगर पहले हमें खुद कुछ करना चाहिए। शिकारी आग जला चुका था और अब उसने उसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया था। कबूतरी ने जब उसे दरख्त पर चढ़ते हुए देखा तो कबूतर से बोली, अगर हम आग बुझा दें तो शिकारी अंधेरे में हमारा घोंसला नहीं ढूंढ सकेगा, मगर हम आग कैसे बुझा सकते हैं? कबूतर कदर फिक्रमंद होते हुए बोला, तुम आओ तो सही, हम कोशिश करते हैं। कबूतरी ने इतना कहा और दोनों बिजली की तेज़ी से उड़ गए। करीबी दरिया बह रहा था, इन दोनों ने दरिया पर पहुंचकर अपने परों में पानी भरा और फिर आन की आन में वापस आकर वो पानी जलती हुई आग पर छिड़क दिया। वो फिर उड़े और दोबारा पानी लाकर आग पर छिड़का, और इस तरह चंद लम्हों में 3-4 बार पानी लाकर उन्होंने आग पर छिड़क दिया, जिससे जलती हुई आग बुझ गई। अब वो आग नीचे जला के वो तो ऊपर चढ़ रहा है, तो इन्होंने आके नीचे से आग बुझा दी। जैसे ही आग बुझी समझो बल्ब बंद, अब उसको कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो फिर वो दोबारा नीचे उतरेगा या कुछ भी करेगा। शिकारी एक बार दरख्त पर चढ़ते चढ़ते रुक गया, कुछ अंधेरा भी बढ़ चुका था और रोशनी के बगैर दरख्त पर चढ़ना मुमकिन नहीं था। उसे आग पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था कि ये अपने आप बुझ कैसे जाती है, उसको क्या पता कौन बुझा रहा है। वो गुस्से में खोलता हुआ फिर दरख्त से नीचे उतरा और एक बार फिर इधर उधर से लकड़ियाँ जमा करके उनमें आग लगा दी। इस दफ़ा उसने मोटी मोटी लकड़ियाँ जमा की थी ताकि जलने के बाद आग ना बुझ ना सके। कबूतर और कबूतरी ने जब ये देखा कि इस दफ़ा की आग बुझाना उनके बस की बात नहीं तो वो बहुत घबराए। अब दोस्तों की मदद ज़रूरी थी। उन्होंने एक शिकारी ने एक चाल चली आग जला दी, इन्होंने उसका तोड़ किया, अगली चाल चली बुझा दी, शिकारी ने उसका तोड़ किया, अब और मोटी लकड़ियां ले आया, अब बुझाओ, अब इनसे तो नहीं बुझती, अब क्या होगा। अब जनाब वो पहुंचा, अब दोस्तों से मदद लेने का वक्त आ गया, जल्दी जाओ और अपने गिद्ध दोस्त को मदद के लिए बुला लो। ये सुनते ही कबूतर आन की आन में गिद्ध के जोड़े के पास पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताकर कहा, मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत है। गिद्ध ने आओ देखा न ताओ सारे काम छोड़कर कहा, चलो हम अभी चलते हैं, दोस्ती किस रोज़ काम आएगी, आओ देखा ना ताओ फौरन, यानी कोई उसने नतीजे की परवाह किए बगैर फौरी तौर पर चलने के लिए राज़ी हो गया। अब आगे उसने बहस तमीज नहीं की, टाइम ही नहीं है ना, उधर शिकारी पहुंच जाएगा। कबूतर गिद्धों के जोड़े को साथ लेकर आया तो उन्होंने देखा कि आग पूरी तरह जल रही थी और उसकी रोशनी में शिकारी दरख्त पर चढ़ रहा था। दोनों गिद्ध कबूतर और कबूतरी के साथ जल्दी जल्दी दरिया पर गए और उन्होंने अपने बड़े बड़े परों में पानी भरकर ला के आग पर फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह देखते ही देखते चंद लम्हों में जलती हुई आग बुझ गई। ये देखकर शिकारी तिल मिला कर रह गया, फिर वो गुस्से में आ गया, बेचैन हो गया। अब वो बड़े पर भी आ गए, 2-4 छोटे पर इनके, 4 बड़े पर गिद्धों के, पानी ज़्यादा आ गया तो लिहाजा बड़ी आग भी बुझ गई। गिद्ध ना होते, दोस्ती ना होती, वो इनके बस की बात नहीं थी। अब जनाब
मुसीबत ये थी कि अब अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, फिर ये भी था कि शिकारी बार बार दरख्त पर चढ़ने उतरने में थक चुका था, इसलिए उसने दिल में सोचा अब आग जलाना मुश्किल है, बहुत रात हो गई है, क्यों ना रात यहीं बसर कर लूँ, सुबह आसानी से बच्चे निकाल के ले चलूँगा। फिर टेंशन डाल दिए, तो जाए नहीं ना भाई, मैं घर मर तू नहीं, तेरे हाथ है, लेकिन रात हो गई अब कहाँ जाए। वो शिकारी यानी प्रोफेशनल शिकारी है जो लोग गए फिर रहे होते हैं जंगलों में, तो वो अब वहीं रात बसर कर रहा है, मजीद टेंशन। ये सोचकर वो दरख्त से थोड़ी दूर ज़मीन पर कपड़ा बिछा कर लेट गया। कबूतर और गिद्ध ने जब ये देखा शिकारी वहीं पर रात बसर करने का इरादा रखता है और सोने की तैयारी करने लगा है, तो वो जान गए कि इसकी नीयत ठीक नहीं, ये सुबह ज़रूर घोंसले में से बच्चे निकाल कर ले जाएगा। ये जानकर वो कुछ दूसरी तरकीबें सोचने लगे। कबूतरी ने राय दी, मेरी मानो तो तुम दोनों अपने दोस्त सांप के पास जाओ, इस वक्त वही हमारी मदद कर सकता है। हाँ, वो यकीन है इस वक्त हमारे काम आ सकता है। मादा गिद्ध ने भी कबूतरी की राय पसंद की। कबूतर और गिद्ध दोनों थोड़ी ही देर में अपने दोस्त सांप के पास पहुँच गए और वहाँ पहुँच कर उन्होंने शुरू से आखिर तक उसे सारी बात बताई और फिर कहा, इस वक्त शिकारी वहीं सोया हुआ है और हमें डर है कि सुबह ज़रूर बच्चे निकाल के ले जाएगा। सांप लेटे लेटे सोचने लगा तो कबूतर बोला, अब सिर्फ तुम्हारी मदद ही मेरे बच्चों की ज़िंदगी बचा सकती है, हम इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। गिद्ध ने भी कबूतर की हिमायत करते हुए कहा। सांप बड़े गौर से उनकी बातें सुनकर कहने लगा, तुम लोग घबराओ नहीं, इस वक्त तुम दोनों जाओ, मैं सुबह सारा बंदोबस्त कर लूँगा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अब सांप ज़्यादा सियाना है, शुरू में भी उसने इन दोनों को तरद्दुद से इनकी दोस्ती कबूल की, उसने कहा तुम जाओ मैं कर लूँगा, क्योंकि जो हथियार सांप के पास है वो इनके पास नहीं है, इनके पास ज़्यादा ये पर थे। गिद्ध भी क्या कर सकते, चोंचों से तो नहीं मार सकता शिकारी को, तो वो मोहलिक हथियार सिर्फ सांप के पास है, उसके वो फेंग जो होते हैं और उसके अंदर जो जहर की पोटली होती है। ये सांपों पे भी बड़ी अच्छी फिल्में बनी हुई हैं। अब इस वजह से उसने कहा तुम जाओ। गिद्ध जैसे तुम्हारी मर्जी, गिद्ध और कबूतर ने कहा और दोनों वापस घोंसले में आ गए। वहाँ आकर उन्होंने कबूतरी और मादा गिद्ध को सारी बात बताई और कहा, सांप ने हमें मदद करने का यकीन दिलाया, वो जरूर अपनी दोस्ती निभाएगा। इसके बाद वो चारों के चारों दरख्त पर बैठे सुबह का इंतजार करने लगे। शिकारी रात भर में मदद से सोया, जब सुबह हुई तो खुश आंखें मलता हुआ उठा के दरख्त पर चढ़कर घोंसले में से बच्चे निकाले और अपने घर की राह ले। उसने उठकर अपना सामान वगैरह समेटा और ही दरख्त पर चढ़ने के लिए उसके पास गया, उसकी आँखें फटी की फटी रह गईं। हैरान हो गया, खौफजदा हो गया, डर जाना, आंखें यूं हो जाना, पूरी खुल जाना। जब आदमी डरता है किसी चीज़ से तो आंखें फटी की फटी रह जाती। वो हवास बाख्ता हो गया, यानी उसके हवास जाते रहे, घबरा गया, परेशान हो गया, उसको समझ कुछ ना आई। घबराहट और खौफ में उसे अपना होश तक ना रहा, उसके तीर कमान कहीं थे और अब वो अपनी जान बचाने की फिक्र कर रहा था। उसने देखा जिस दरख्त पर चढ़कर उसे कबूतर के घोंसले से बच्चे निकालना थे, उस दरख्त के तने के इर्द गिर्द बहुत बड़ा सांप लिपटा हुआ उसे देख देख कर फुंकार रहा था। सांप ने क्या कहा था, घर जाओ मैं बंदोबस्त कर लूँगा, ये था बंदोबस्त। मेरे पास वो हथियार है कि शिकारी को अपनी पड़ जाएगी, अब शिकारी को अपनी पड़ गई है। शिकारी ने दिल में सोचा, जिस तरह भी अपनी जान बचाओ बाढ़ में जाए शिकार। वो अपना सारा सामान छोड़ छाड़ कर उल्टे पांव ऐसा भागा कि फिर पलट कर ना देखा। उल्टे पांव भागना, तेज़ रफ्तारी से भागना, पूरी स्पीड से भाग जाना। वो दिन और आज का दिन शिकारी का कहीं पता नहीं चल सका, लेकिन कबूतर आज भी सुख चैन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये सब कुछ उनकी दोस्ती का नतीजा है। यही वजह है कि आज भी लोग दोस्ती और अमन के पैगाम के लिए कबूतर ही इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे आ गया सोर्स, पंजाबी लोक दास्तानें, यानी पंजाबी जबान में ये दास्तान क्रिएट हुई, सीना दर सीना चली लोक दास्तान, जो सीने में चले प्रिंट पे ना चले। ये जो प्रिंटेड दास्तान है ये और है, लोक दास्तान ही प्रिंट होती है लेकिन बाद में आ वो पीछे से रही होती है। तो ये पंजाबी में पहले से दास्तान आ रही थी, अच्छी दास्तान है, इसमें दोस्ती का भी दर्स है, इसमें भाईचारे का भी है, एक दूसरे की मदद का भी है, खुददारी का भी है, कोई मुश्किल आ जाए तो मिल के मुकाबला करने का भी दर्स है। तो बहुत सी अच्छी चीज़ें ऐसी आ गई जो कि हमें इस दास्तान से मिली, और साथ ही एंड भी इसमें हमेशा यही होता है और सारे हंसी खुशी लेने लगे। जो आपने दास्तानें पढ़ी हैं उसका एंड यहीं पर लाना है उसने। ट्रेजेडी दास्तान और होती है जिसमें अलमिया अंजाम हो, उसमें कोई ना कोई मारा जाता है फिर। तो ये आम तौर पर जो दास्तानें हैं उनमें हंसी खुशी रहना जो है यही अंजाम है। मुख्तसर जवाब ने मशक में कबूतर गिद्ध और सांप में कदरे मुश्तरक क्या थी, क्या मुश्तरक था भाई, मुश्तरक बतानी है, लग नहीं बतानी। जवाब आ जाता है, एक बंदा पहुंच जाता है, किसने कहा है, शाबाश, दोस्ती मुश्तरक है ना, अदरवाइज तो उनकी बिरादरी और है, उनके साइज और हैं, दो परिंदे हैं, एक रिंगने वाला हसरात है। कबूतर कहता तो बामी तमरों क्यों मादा हुए, किसी भी शाबाश, किसी पर भी मुश्किल आ जाए, मुसीबत आ जाए, बुरा वक्त आ जाए तो बाकी दोनों उसका साथ दें। शिकारी का किरदार किस बात की अलामत है,
खतरे बैरूनी हमलावर की अलामत है, जो बाहर से हमलावर आया है उसकी अलामत है, दुश्मन की अलामत है। इन तीनों का मुश्तरका दुश्मन समझो वो हो गया, तो वो मुखालफत की, दुश्मन की, खौफ की, खतरे की, हर चीज़ की अलामत है वो। किसी बैरूनी खतरे की सूरत में हमें क्या तरह अख्तियार करना चाहिए? पहले अपनी मदद मांगनी चाहिए, दूसरों से मदद मांगनी चाहिए। शाबाश, सही है। पड़ोसियों से तल्लुकात की नियत क्या होनी चाहिए? उसमें सलूक हो, पुरखलूस हो, बीच में नियत बद ना हो कि मैं मदद ले लूं और खुद ना करूं। यस सर, सब ने करनी है। माशरे की बका के लिए इमदादी बामे क्या अहमियत है? उसने कहा था अकेला बंदा किसी काम का नहीं होता। यस सर, वो यही अहमियत है कि इंसान इंसानों के काम आते हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कबूतर को किस बात की अलामत करार दिया जाता है? आखिर में उसने दिया था दोस्ती और अमन, आखिरी लाइन। अपने रसूल की उम्मीद कहने की मदद से दोस्ती के बाद खुलासा। दूसरे सवाल को सर्कल कर लो, ये अहम है और इसके अलावा बाकी इम्तिहानी नहीं है। नीचे लोग दास्तान दी हुई है, इसको भी देख लेना। ये मैं पढ़ देता हूँ। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि कोई बंदा ये बहाना नहीं कर सकता मेरे पास ग्रामर नहीं है। इसी किताब में मौजूद है, है बेशक छोटी है, लेकिन इसमें से काफ़ी सारे सवाल मरूजी वाले हिस्से के भी कवर हो जाते हैं। लोग दास्तान मकामी या इलाकाई ज़बान की ऐसी कहानी को कहा जाता है जो दोस्ती, इशार, खलूस, हमदर्दी, रहम, शुजात, अदल, फर्शनासी, बहादुरी, जज्बा हुरियत, आज़ादी का जज्बा और मोहब्बत जैसी आला अखलाकी इकदार की हामिल हो। ऐसी कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती है और लोग हाफजे का हिस्सा बनती चली जाती है, यहाँ तक कि वो सदियों बाद लोग दास्तान का दर्जा अख्तियार कर लेती है। ये निचली लाइन अहम नहीं है, यहाँ तक काफ़ी है। तो सदियाँ लगती हैं उसको, फिर वो बनती है। कितना टाइम रह गया? 5 मिनट। चलो, तो बहरहाल आप बुनियादी तौर पे दास्तान समझ आ गई। थोड़ी सी तवील, बहुत ज़्यादा तवील नहीं है ये दास्तान, थोड़ी मुख्तसर भी हो सकती है, लेकिन अब ये नावल नहीं है, छोटी शॉर्ट स्टोरी है, छोटा दास्तानवी अंदाज में छोटी स्टोरी, अफसाना भी नहीं है ये। ये क्योंकि पंजाबी से तर्जमा हुई हुई है तो वहाँ पर दास्तान थी, यहाँ भी दास्तान ही रहेगी। ये नहीं हो सकता आपने पंजाबी नावल का तर्जमा किया और वो सफरनामा बन जाए, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ जिस शक्ल में होगी उसी शक्ल में उठाई जाएगी किसी भी ज़बान में। अब अंग्रेज़ चाहे इसका तर्जमा कर ले, फ्रांस चाहे कर ले, चीन वाले कर लें, जापान वाले कर लें, होगी ये दास्तान ही, सिंफ नहीं बदल देनी उसकी। तो ये चीज़ भी अहम है कारी के लिए, तो उसको इस चीज़ की समझ हो। चलो ठीक है।